ये देखो अगर दिखाएं तो देखो जी ओनली लेजर का आउटपुट मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया बिल्कुल भाई, पैसे वसूल हो गए यार भाई। अगर डिपर मारेंगे ना डिपर के साथ भाई इसकी लेजर भी जलेगी, ये देखो भाई डिपर के साथ लेजर भी वर्क कर रही है ये देखो। तो बहुत से बंदे पूछते हैं ना अगर डिपर ही मारेंगे तो डिपर के साथ लेजर भी वर्क करेगी, ये देख सकते हो कंपनी से भाई की आदत ना हल्का सा। ये देखो जी है FL 301M लेजर वाला, देख सकते हो बाइफोकल जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। ये वाली LED रहने वाली अपने 300 वॉट की जीवा की भाई, बहुत बेकार लाइट थी। और अब तो मजा आ गया भाई, अब तो मजा बांध के बोलो कि काला कलर मिला गया इसे। अभी मांग रहे थे ना कि हमें फॉगलेटेड डिपर भी ऑन चाहिए, तो उनके लिए काम बन गया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, आज की वीडियो आपको भाई दिखाने वाले हैं ब्लैक स्विफ्ट। तो मन्नू भैया क्या क्या लग रहा है इसके अंदर? इसके अंदर में भैया प्रोजेक्टर अपग्रेड हो रहे हैं फॉग लाइट के अंदर में, और हेडलाइट में जीवा के 300 वॉट की LED लग रही है। ये देखो भाई ये वाली LED रहने वाली अपने 300 वॉट की जीवा की, ये देख सकते हो। और प्रोजेक्टर की बात करें तो भाई ये देखो जी है FL 301M लेजर वाला, देख सकते हो बाइफोकल जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। तो आउटपुट की बात करें बहुत तगड़ा आउटपुट इसका आने वाला है। अभी आप जैसे कि देख रहे हो इसका बम्पर वगैरह खुल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें भाई कंपनी से ना ऐसी आती है हैलोजन आती है येलो वाली, तो अभी इधर देखो फिट हो चुका है इसके अंदर प्रोजेक्टर, आप देख सकते हो अपना ये रहने वाला है। और इस तरफ देखोगे तो भाई अभी ये इसकी बस जो दूसरा था वो हटा के अब ये वाला लगने वाला है इसके अंदर। ये देखो जैसे आपको पता है इसकी लेज़र अलग है और ये अलग है, तो हाई बीम पे आप लेज़र भी एक्टिवेट करा सकते हो उसकी। तो इसका आउटपुट आपको हम पार्किंग में दिखा देंगे, लगभग थोड़ी देर में पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत से बंदे ये पूछते हैं ना कि भाई कितनी देर लगती है इसको करने में सारी चीज़ें, तो भाई कम से कम मिनिमम 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में सारा फुल एंड फाइनल हो जाता है जो कंपनी से आता है। इसमें ये आता देखो भाई, और इसके अंदर पता है कितने वॉट का बल्ब है? 19 वॉट वाला है, फॉगलाइट 19 की होगी, हेडलाइट में 55-60। ये 19 वॉट है और अपना कितने का रहने वाला है? अपना नीचे जो जाएगा 55 प्लस 55 110। ये 19 है तो इसका 55 जाएगा, वैसे 19 जाएगा तो 55 जाएगा, टोटल 110 वॉट होगा। टोटल 110 वॉट रहने वाला है कंपनी से भाई की आदत ना हल्का सा। तो देख सकते हो अभी थोड़ी देर लगने वाली है, थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई वायरिंग वगैरह कटिंग नहीं होती। अगर आपकी कार में प्रोजेक्टर नहीं है पहले से जैसे इसमें तो कंपनी से आए हैं, तो इनको रिले वायरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें प्रोजेक्टर नहीं आते कंपनी से तो फिर आपको रिले वायरिंग डालने की ज़रूरत पड़ती, तो अभी बस प्लग एंड प्ले वाला सीन है और सारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी इसको होने देते हैं, फर्स्ट आपको पता है जैसे कि भाई फिटिंग, सेकंड में अलाइनमेंट और थर्ड में सीधा आउटपुट हम दिखा देंगे आपको। तो गाइस अब देखो भाई प्रॉपर प्रोजेक्टर वगैरह अपने फिट हो चुके हैं, अलाइनमेंट देख रहे हो भाई, वो वाला प्रोजेक्टर ऊपर है ये वाला नीचे है, तो ये देख सकते हो। तो अभी इसको अलाइनमेंट करने के लिए लेके आए हैं पार्किंग के अंदर, तो इधर करेंगे इसकी अलाइनमेंट वगैरह। जैसा आपको दिख रहा है कि ये वाला नीचे है, देखो इसका ये ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा, देखो इधर आ रहा है ठीक है, और उस वाले को वो जा रहा है ऊपर, तो अभी इसकी होगी भाई अलाइनमेंट। फिर उसके बाद इसका हम प्रॉपर जो आउटपुट होगा वो आपको सेट करके दिखाएंगे, और यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट लगने और पूरा सेट हो जाएगा ना मन्नू भैया। अलाइनमेंट में हम इतना आपके लिए मार्जिन छोड़ते हैं ताकि आप खुद भी सेल्फ इसकी जो है अलाइनमेंट कर सको खुद से ही। हाँ मतलब किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा पुश करके इसको ऊपर और नीचे की तरफ अलाइनमेंट करनी है, हो जाएगा इसीलिए। बिल्कुल जैसे उधर से देखो ऊपर से करा इन्होंने, और ये देखो इधर सेटलमेंट हो गई। अब देखो नीचे करो उस वाले को, उसी को नीचे करो, देखो अब सामने आपको दिख रहा होगा भाई प्रॉपर, ये देखो अब हो गया बिल्कुल बराबर, ये देख रहे हो इक्वल हो चुका है पूरा, है ना। चाहे इसको हम ऐसे कर दें तो भाई ये देखो ये प्रॉपर इक्वल हो गया, और ये देखो दोनों बराबर हो चुके हैं। ये अभी भाई अपने प्रोजेक्टर का आउटपुट है, और बात करें तो हेडलाइट ऑन करना भैया, ये देखो हेडलाइट के साथ ऐसा कुछ आउटपुट ये रहने वाला है। तो ये लोबी में हाई बीम भी है, ये हाई बीम पे डायरेक्ट कस्टमर ने करी है, ये देख रहे हो, तो ये लेजर भी साथ चल रही है। ये देखो आप लेजर देख रहे हो भाई, ये लेजर भी साथ के साथ आपको दिख रही है, देख सकते हो ऐसा कुछ ही आउटपुट रहने वाला है। ये देखो भाई, तो भाई एक बार सारी लाइट ऑफ करना, सारी लाइट ऑफ कर दो। तो भाई अगर डिपर मारेंगे ना डिपर के साथ भाई इसकी लेजर भी जलेगी, ये देखो भाई डिपर के साथ लेजर भी वर्क कर रही है, ये देखो। तो बहुत से बंदे पूछते हैं ना अगर डिपर ही मारेंगे तो डिपर के साथ लेजर भी वर्क करेगी, ये देख सकते हो। ये देखो भाई ऐसा कुछ ये इसका आउटपुट रहने वाला है। ऊपर जैसा आपको पता है 300 वॉट लगी थी अपनी भाई जीवा की, और नीचे आपको पता है GTR के अपने प्रोजेक्टर लगे थे लेजर वाले, तो इनका ऐसे ही कुछ आउटपुट रहने वाला है। अगर मन्नू भैया प्राइसिंग की बात करें कितना क्या कुछ, 11,500 रुपए का प्रोजेक्टर है सर, और ऊपर की जो 300 वॉट की LED है 95 minutes -20% करके 7600 पड़ेगी LED आपको भाई। ये देख सकते हो ये ऐसा कुछ इसका आउटपुट है, ये अभी खाली लेजर है हाई, मतलब जब फॉगलाइट बंद कर दोगे और लेजर मारे मतलब हेडलाइट की हाई बीम डिपर मारेंगे तो आपको ऐसा कुछ लेजर पेपर देखेगा। ये देखो ठीक है। तो जब आप मतलब डिपर मारोगे तो भाई बहुत तगड़ा आउटपुट आएगा, देखो अगर मैं थोड़ा सामने जाऊंगा ना तो वहां से आपको पता चलेगा। ये देखो भाई ये लेजर वर्क करिए डिपर पे, ये चेक करो। तो प्रोजेक्टर भी ऑन कर देना,
ये देखो भाई हाई बीम करना, ये देखो भाई हाई बीम में तो भाई जो इसका आउटपुट आ रहा है ना, एक तो एक काली स्विफ्ट वैसी नहीं दिख रही और लाइट इसकी। अभी मांग रहे थे ना कि हमें फॉग लाइट डिपर भी ऑन चाहिए, हाँ। तो उनके लिए काम बन गए बिल्कुल। हाँ कि भाई एक बार हम हेडलाइट के आगे खड़े हो जाते हैं, एक बार भैया खड़े हैं तो भाई ये देखो बंद करने के बाद फॉग लाइट बंद कर दो, एक बार सिर्फ डिपर मारो। ये देखो ये लेजर, ये पूरी लेजर रहने वाली है ना, ठीक है। ये ओनली लेजर का आउटपुट है, ये देखो अगर दिखाएं तो देखो ये ओनली लेजर का आउटपुट है। बहुत बंदे पूछते हैं ना कि भाई डिपर पे क्या है, तो ये भाई लेजर रहने वाली है, आप देख ही रहे हो। एक प्रोजेक्टर में दो का मजा रहने वाला है क्योंकि बहुत बंदे वो लेजर वाले प्रोजेक्टर लगवा लेते हैं सामने। बिल्कुल ये सिर्फ लेजर है, ओनली लेजर है सिर्फ। ये उस एरिया में आपका काम आती है जहाँ पे धुंध बहुत ज्यादा होगी आपकी, मतलब कि आप उस टाइम पे जब डिपर मारेंगे तो अलग से ही ये चमकेगी बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल वाली। जैसा आज की डेट में सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर वाला प्रोजेक्टर दिखा रहे हैं ना लोग, बिल्कुल अगर वही दिखाना तो फिर ये दिखाओ ना भाई। उसका रीजन क्या है कि ये आपका फॉगल का भी काम करेगी साथ साथ लेजर का भी काम करेगी। बिल्कुल, तो इसका एक पॉइंट जला देंगे तो जब ये पूरा बड़ा वाला अपना प्रोजेक्टर फॉगल ऑन कर दो भैया, खाली फॉगल ऑन कर देना, ये देख खाली फॉगल है, सिर्फ लो बीम हाई करना, हाई विद लेजर हो जाएगी। अच्छा हाई करना भैया, हाई बीम ये देखो ये हाई बीम रहने वाला, कोई भी हेडलाइट जॉइन नहीं है, हम उसके आगे खड़े हुए हैं कवर करा हुआ टोटल। बिल्कुल, और हटना एक बार सामने से हट जाओ तो ये देखो भाई हेडलाइट के साथ तो भाई बिल्कुल तगड़ा ही मैटर रहने वाला है, बहुत तगड़ा आउटपुट है। जैसे आपको प्राइसिंग वगैरह भैया ने बता दिया, ऑनलाइन घर बैठे आप मंगा सकते हो, कहीं भी मंगाओ, सेम नंबर गूगल पे फोन पे सब पे है, और इसी नंबर को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आइटम की डिटेल्स जानने के लिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ सारी ऑलरेडी चीज़ें दी हुई हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर में, 8586964962 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी नंबर को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। बिल्कुल, तो भाई आप ये देख सकते हो ऐसा कुछ ही आउटपुट रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो भैया कैसे हो? बढ़िया भैया। तो और कैसे भाई? बढ़िया भाई। तो भाई जैसे आपने स्विफ्ट ली तो इसमें कैसी लाइट आई थी पहले? भाई बहुत बेकार लाइट थी। और अब? अब तो मजा आ गया भाई, अब तो मजा आ गया, बोलो कि काला कलर मिला कैसे? भाई तो एक काली है बिल्कुल मस्त, एकदम बढ़िया कलर है, ब्लैक कलर ना इसमें, और आउटपुट आप देख रहे हो। तो भैया आउटपुट की बात करें, मजा आ गया? मजा आ गया, दिल खुश हो गया? बिल्कुल भाई, पैसे वसूल हो गए यार। भाई मेन यही चाहिए होता है कि पैसे वसूल हो। बहुत से बंदे आते हैं भैया से कहते हैं लगवाई उससे है भाई हमारी अलाइनमेंट करवा। एक बार ना के अंदर एक गाड़ी में लगा हुआ था XYZ, कोई भी कंपनी नाम नहीं लेंगे, अलाइनमेंट बिल्कुल आउट है, जीरो, मतलब एक वहाँ जा रहा है और एक वहाँ जा रहा है, वो किसी दूसरी दुकान से लगा था, किसी ने लगा हुआ, बट अब भी मैंने उनको कहा था आपकी मदद कर देंगे, एटलीस्ट ठीक कर देंगे उसको, जो भी लेबर कॉस्ट होगी लेंगे ठीक कर देंगे। बिल्कुल, तो भाई ये है टोटल ओवरऑल वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।